वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटे? अपना चैप्टर फोर्थ ग्रेट पर्सनैलिटीज चल रहा था, आज हम वही कंटिन्यू करेंगे। पहले हमने सोक्रेट्स, अब्राहम लिंकन, कार्ल मार्क्स, मार्टिन लूथर किंग, के बारे में डिस्कस कर लिया था। आज हम नेक्स्ट महात्मा गांधी जी के बारे में डिस्कस करेंगे। सो बेटे, ओपन योर बुक पे नंबर 275, महात्मा गांधी जी। आप सब बच्चे जानते हो हु इज द महात्मा गांधी जी? यस, फादर ऑफ अवर नेशन, हमारे क्या थे? राष्ट्रीय पिता थे। यस बच्चे, कल हम जब चैप्टर यही फोर्थ मार्टिन लूथर किंग इसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, इस चैप्टर में उसका आगे एक पैराग्राफ रह गया था। पहले अपने 275 पेज नंबर के ऊपर वो डिस्कस कर लेते हैं। उन्होंने कहा था, आई हैव ए ड्रीम दैट वन डे मैन विल राइज अप एंड कम टू सी दैट दे आर मेड टू लिव टुगेदर एज ब्रदर। आई स्टिल हैव ए ड्रीम दैट वन डे every person in the world will be judged on the basis of the content of his character rather than the color of his skin, and every man all will respect the dignity and the worth of human personality। क्या कहते हैं कि मेरा एक सपना था, क्या है कि मैंने एक सपना देखा कि एक दिन ऐसा आएगा कि come to see that they are made to live together as brother, कि सारे लोग इकट्ठे रहेंगे कैसे, एक ब्रदर की तरह। आई स्टिल हैव अ ड्रीम दैट वन डे एवरी पर्सन इन द वर्ल्ड विल बी जज ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट ऑफ द कैरेक्टर रैदर दैन द कलर ऑफ द स्किन एंड एवरी मैन विल रिस्पेक्ट द डिग्निटी एंड द वर्थ ऑफ ह्यूमन पर्सनैलिटी। कि किसी को कोई भी जज उसके कलर से, स्किन से नहीं करेगा, बल्कि उसकी रिस्पेक्ट करेगा, उसकी डिग्निटी, उसके वर्क के तौर पर और ह्यूमिनिटी, इंसानियत के तौर पर उसको जज करेगा। कि लोगों में आपस में कोई भेदभाव नहीं होगा, कोई ब्लैक है कोई वाइट है, इसका कोई भी फर्क एक दूसरे पे नहीं पड़ेगा। सिर्फ आपको अपना करैक्टर बनाना है कि आपने एक अच्छी पोस्ट पे जाना है और अच्छे, सबसे पहले एक इंसान बनना है। आज हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी और मोहनदास करमचंद गांधी वॉज बोर्न इन पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी जी का नाम और भी क्या था बेटे? मोहनदास करमचंद गांधी। वाज बोर्न इन पोरबंदर इन गुजरात। गुजरात में हुआ था कब? 2 अक्टूबर 1869 में। ही स्टडी लॉ इन लंदन एंड बिकम ए ब्रिस्टर। ब्रिस्टर होता है बेटे वकील। क्या होता है? वकील, लॉयर, लॉयर, ठीक है, लॉयर होता है वकील। लायर भी होता है, झूठा, कहते हैं ना यू आर लायर, आप एक झूठे इंसान हो। लॉयर की लायर झूठा, ये दोनों में डिफरेंस है बेटे। क्या उन्होंने स्टडी की लंदन में और क्या बन गए? एक ब्रिस्टर बन गए, वकील बन गए। ही वेंट टू साउथ अफ्रीका ऑन एन असाइनमेंट। वो साउथ अफ्रीका गए एक असाइनमेंट के लिए, एक असाइनमेंट अपने काम के लिए। मैनी इंडियन ऑल्सो लिव देयर, वहाँ पे बहुत सारे इंडियन लोग रह रहे थे। इंडियंस एंड ब्लैक वर ट्रीटेड वेरी बेडली। इंडियंस और ब्लैक्स आपस में बहुत ही एक दूसरे से बुरा व्यवहार कर रहे थे। ही वॉज वेरी डिस्टर्ब टू सी इट, इसको देखकर वो बहुत ज़्यादा चिंतित हुए, डिस्टर्ब हुए। एंड ही फाउंड फॉर देयर कोज ऑफ मोर देन 20 ईयर, और इसके लिए महात्मा गांधी जी ने 20 ईयर एक लड़ाई लड़ी कि आपस में ये ब्लैक वाइट का चक्कर ना रहे। When Gandhiji came to India, Gandhiji India आए, he joined the struggle against the British rule in India. फिर उन्होंने एक struggle join किया, संघर्ष join किया, किनके against? British, अंग्रेजों के विरुद्ध। He started many movement against the British and he was sent to jail many times. उन्होंने बहुत सारे movement, बहुत सारे मतलब लोगों को इकट्ठा किया और अंग्रेजों के खिलाफ होने को कहा, और उनको काफ़ी बार जेल भी भेजा गया इस मूवमेंट के लिए। ही फॉलोड द प्रिंसिपल ऑफ ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस इन द वर्ड एंड डीड।
उन्होंने क्या किया, प्रिंसिपल सिर्फ ये होते हैं बेटे तो प्रिंसिपल, या पहले प्रिंसिपल का मतलब समझ लीजिए, प्रिंसिपल या ये प्रिंसिपल, और इसको भी हम बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है। स्पेलिंग देख लीजिए, पी आर आई एम सी आई पी एल ई, ये होते हैं प्रिंसिपल सिद्धांत। जो कोई भी सिद्धांत बनाता है कि मैंने इनको फॉलो करना है, तो ये होते हैं अपने मुख्य अध्यापक, जो जैसे कि स्कूल में अपने प्रिंसिपल जी हैं उस टाइप से। इन दोनों में डिफरेंस है कि पी एल प्रिंसिपल होता है, ये प्रिंसिपल एल ई होता है, ये होते हैं सिद्धांत। उन्होंने कौन से प्रिंसिपल अपनाए बेटे, ट्रू ट्रूथ एंड नॉन वॉयलेंस। ट्रूथ मतलब उन्होंने सच्चाई का और अहिंसा का रास्ता बनाया। सच्चाई मतलब वो सच की राह पर चलते थे, अहिंसा मतलब बिना किसी लड़ाई झगड़े से शांति से काम करना पसंद करते थे, और इसके लिए वर्ड एंड डीड मतलब वो इन शब्दों के लिए जिए और मरे। फाइनली द ब्रिटिश हैड टू बाउ, फाइनली ब्रिटिश लोग क्या है उनको झुकना पड़ा, एंड बिकम फ्री इन ईयर 1947, और इंडिया क्या हो गया, आजाद हो गया ब्रिटिश रूल से, कब 1947 में। गांधी जी वर वोर ओनली खादी क्लोथ्स एंड लेड ए वेरी सिंपल लाइफ। गांधी जी वोर कैसे कपड़े पहनते थे, खादी क्लोथ पहनते थे, और अपनी लाइफ को सिंपल लाइफ जीते थे। उनका एक क्या था स्लोगन था, एक नारा था, सिंपल लाइफ जीना चाहिए हमें, कि कपड़ों में कुछ नहीं है, अपनी लाइफ को अच्छा बनाना चाहिए, बंदे की थिंकिंग हाई होनी चाहिए, लाइफ चाहे सिंपल है लेकिन थिंकिंग हाई होनी चाहिए। पीपल कॉल्ड हिम बापू, लोग उनको क्या बुलाते थे, बापू, क्योंकि वो एज में काफ़ी ओल्ड थे, बुजुर्ग थे, इसलिए उनको लोग बापू जी कहते थे। ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ अवर नेशन, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया है, उनको राष्ट्रीय पिता के नाम से जाना जाता था, मतलब फादर ऑफ अवर नेशन पूरे राष्ट्र के पिता कहा जाता था। गांधी समाधि इज एट राजघाट दिल्ली, गांधी जी की समाधि बनी हुई है दिल्ली में राजघाट पे, जैसे जब भी उनकी पुण्यतिथि आती है तो वहाँ लोग उनको श्रद्धांजलि देने जाते हैं, मौन रखा जाता है। ही विल ऑलवेज बी रिमेम्बर फॉर ट्रूथ सेल्फनेस सिंपलिसिटी एंड आइडियल्स, उनको हमेशा याद किया जाता है, उनको हमेशा हम याद रखेंगे, इसके लिए उनकी सच्चाई के लिए, अपनी सेल्फनेस के लिए, मतलब वो किसी से निस्वार्थ होकर वर्क करते थे, ना कि अपने स्वार्थ के लिए कोई काम करते थे। सिंपल सिटी साथ के लिए, और आइडियल मतलब वो क्या थे, बहुत ही आदर्शवादी इंसान थे। तो बेटे 2 मिनट आप इसको देखिए और राइट कीजिए जो डिफिकल्ट वर्ड है, फिर आगे 2 मिनट अपने डिस्कस करते हैं इसी को ही वापस। कर लिए बेटे, अब बताइए महात्मा गांधी जी का अदर नेम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी जी। उनका बर्थ कब हुआ था बेटे, 2 अक्टूबर को। आपको पूछा जाता है कि गांधी जयंती कब सेलिब्रेट होती है, तो आप क्या कहते हो, कब सेलिब्रेट होती है बताइए, 2 अक्टूबर को, है ना। तो वो स्टडी के लिए कहाँ गए थे, लंदन, और लंदन में उन्होंने किसकी स्टडी की थी, लॉ की करके क्या बने थे वो, लॉयर, वकील बने थे, है ना। तो फिर जब वो एक असाइनमेंट जमा करवाने के लिए गए थे साउथ अफ्रीका में, तो उन्होंने क्या देखा कि लोग इंडियन और जो ब्लैक है आपस में लड़ाई कर रहे हैं, झगड़े कर रहे हैं, एक दूसरे से बुरा व्यवहार कर रहे हैं। तो उन्होंने स्ट्रगल किया कितना टाइम, 20 ईयर। फिर वापस जब वो इंडिया से आए तो उन्होंने क्या ज्वाइन किया, एक स्ट्रगल, एक मूवमेंट ज्वाइन किया, और उनको काफ़ी बार इन चीज़ों के लिए काम भी भेजा गया, जेल भी भेजा गया। अपना इंडिया का फ्रीडम मिली अंग्रेजों से, ब्रिटिश लोगों से, तो 1947 में। आपको पूछ लिया जाए बेटे व्हेन डिड इंडिया इंडिपेंड, तो आप कहोगे 15 अगस्त 1947। अपने इंडिपेंडेंस डे कब सेलिब्रेट करते हैं बेटे, 15 अगस्त को करते हैं ना सेलिब्रेट, और रिपब्लिक डे कब करते हैं, अभी आने वाला है 26 जनवरी को करते हैं ना, इस टाइप से। तो फिर गांधी जी कैसे कपड़े पहनते थे, खादी क्लॉथ पहनते थे, और उनको हम उनकी समाधि कहाँ बनी हुई है, दिल्ली में राजघाट पर, और उनको हमेशा हम याद रखेंगे किसके लिए,
ट्रूथनेस, सेल्फनेस, सिंपलसिटी और उनके आइडियल, मतलब वो एक आइडियल इंसान थे। इसलिए कल बेटे हम करेंगे सेंट मदर टेरेसा, इसके बाद अपना चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। अब उसके लिए आपने अच्छे से सेंट मदर टेरेसा के बारे में रीड करना है और पीछे भी जो चैप्टर हो गया उसको भी अपने माइंड में रखना है और डिफिकल्ट वर्ड को नोटबुक में राइट डाउन करना है। ओके बेटे, थैंक यू, हैव ए गुड डे, हैव ए नाइस डे।